गुरुवार को कांग्रेसियों ने राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो या पदयात्रा की प्रथम वर्षगांठ पर ताजनगरी में पदयात्रा निकाली। इस मौके पर कांग्रेस पदाधिकारी के साथ कार्यकर्ताओं ने शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय से बिजली घर स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क तक पदयात्रा निकाली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक निकाली गई भारत जोड़ो पदयात्रा की पहली वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेसियों ने ताजनगरी में पदयात्रा निकाली। शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय से निकाली गई पदयात्रा ढाकरन चौराहे से होते हुए मंटोला से होते हुए बिजली घर चौराहे स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क पर पहुंचे, जहां बाबा साहेब की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार में नीतियों को जन विरोधी बताते हुए 2024 की हुंकार भरी। आगरा जिला और शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से यह यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को मजबूत देने के लिए कांग्रेस पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनाने के लिए गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए आज हमने इस सड़क पर उतरकर आज ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से 7 सितंबर 2021 को राहुल जी ने किया था, वो आज हमने यहाँ से ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। आज ही के दिन एक वर्ष पूर्व हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। उन्हीं यात्रा की याद में आज एक वर्ष बाद हम सभी कांग्रेस जन यहाँ प्रतिज्ञा लेते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने भारत जोड़ने की बात कही थी, हम लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, प्रतिज्ञा के माध्यम से, हम सभी लोगों को आपस में भाईचारा से के साथ में मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाएंगे और विघटनकारी शक्तियों, जो सांप्रदायिक शक्तियाँ जो जिस प्रकार से नफरत के बीज बो रही हैं, इनको हटाने का काम करेंगे। भारत जोड़ो पदयात्रा पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेसियों ने बताया कि यह यात्रा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक और नफरत के विरोध में निकाली गई है। संवैधानिक संस्थाओं के राजनीतिकरण के विरोध पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो पदयात्रा से कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता का अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो कि मौजूदा सरकार को रास नहीं आ रहा है। इसको लेकर भारत और इंडिया को लेकर की बात पर जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। इस तरीके से पूरे भारत के अंदर में आज जो मोहब्बत का माहौल चल रहा है, जिसके लिए मेहनत हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने करी थी, जिसका कि दुकानें अब हिंदुस्तान के अंदर में खुल रही हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे अभी हम लोग जो है राजस्थान के अंदर में वापसी करने के लिए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा मैसेज गया, एक हिस्टोरिकल मोमेंट्स बनाए। भारत जोड़ो का यात्रा को पूरे वर्ल्ड के अंदर में समर्थन बनाए और उसी समर्थन के ऊपर में नफरत को मिटा करके मोहब्बत की दुकान खुलेगी। 2024 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जो डरे हुए लोग हैं, कभी इंडिया को भारत बताते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इंडिया गेट का क्या करोगे? जो इंडिया लिखा हुआ है आपकी गाड़ियों पे, आपने जो लिखवाया था IND, उसका आप क्या करोगे? ऐसे दस्तावेज जिसके आगे इंडिया लिखा हुआ है, पासपोर्ट हो या कुछ भी हो, उसका आप क्या करोगे? ये सारे सवाल आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ। डरे हुए लोग हैं, 24 को आपकी सरकार बन रही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसी के साथ में मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 2024 में कांग्रेस की सरकार आ रही है, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश इस चीज़ को भली बात जान रहा है। कांग्रेसियों का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा की गई भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन पूरा देश कर रहा है, यही वजह है कि मौजूदा सरकार की नींदें उड़ गई हैं। सी न्यूज़ के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।